आपको अहम खबर देते हैं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क्याम की 96वीं सालगिरह की तकरीब। जीएचक्यू में मुनक्किदा तकरीब में आर्मी चीफ मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। हमारा रिश्ता इज्तमाई मफादात के तहफ्फुज़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई और जीएचक्यू में मुनक्किदा इस तकरीब में आर्मी चीफ मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। हमारा रिश्ता इज्तमाई मफादात के तहफ्फुज़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई जीएचक्यू में, जिसमें मेहमान खुसूसी थे आर्मी चीफ। और इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। हमारा रिश्ता इज्तमाई मफादात के तहफ्फुज़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। P6 anniversary of the founding of the People's Liberation Army today here, and I would like to thank for the Pakistan Army for organizing today's event. The two militaries played a very important role in promoting and safeguarding our bilateral relations.